हेलो फ्रेंड्स, रतलामी चाय के में आपका वेलकम है। इस नवरात्रि बनाएंगे दो इजी मिल्क शेक। इसको पीने से आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। यह एक तरह से एनर्जी ड्रिंक है और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे व्रत में ही बनाएं, आप इसे बिना व्रत के भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ठंडा ठंडा ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक। बाउल में 5 से 6 काजू लेंगे, 5 बादाम, 5 पिस्ता और इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध डालेंगे और थोड़े से केसर के धागे। चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम 20 से 25 मिनट तक सभी ड्राई फ्रूट्स को दूध में ही भिगो कर रखेंगे। जो हमने ड्राई फ्रूट्स भिगो कर रखे थे उसे ब्लेंडर में डाल देंगे। मिल्क शेक थोड़ा सा फोमी बने उसके लिए 3 बर्फ की क्यूब्स डालेंगे। 2 बड़े चम्मच शक्कर, शक्कर आप इसमें अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम 1.5 कप के करीब एकदम ठंडा दूध डालेंगे और इसे एक बार फिर हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हो गया है हमारा ठंडा ठंडा ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक तैयार। ऊपर से हम पिस्ता और बादाम से डेकोरेट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे पिन खजूर का मिल्क शेक। ये मैंने 5 से 6 पिन खजूर ली है, इसके बीच मैंने निकाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे हम चाकू से बारीक बारीक इस तरह से काट लेंगे। ये मैंने सभी पिन खजूर काट ली है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हल्का गर्म दूध डालेंगे ताकि जो ये पिन खजूर है ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो हम इसे 20 से 25 मिनट तक दूध में ही भिगो कर रखेंगे। मुझे 25 मिनट हो गए हैं और देखिए पिन खजूर ने कलर भी थोड़ा सा छोड़ दिया है और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो देखिए मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्लेंडर है इसमें भीगा हुआ पिन खजूर डाल देंगे। इसमें आप 5 किशमिश भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसमें 3 बर्फ की क्यूब्स डालेंगे ताकि जो हमारा मिल्क शेक है वो अच्छा फोमी बने। पिन खजूर ऑलरेडी थोड़ी स्वीट है तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डालें। तो मैं इसमें 2 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हम मिल्क शेक बना रहे हैं तो इसमें हम ठंडा दूध लेंगे। तो ये मैं 1.5 कप के करीब ठंडा दूध ले रही हूँ और इसे हम एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। सेकेंड मिल्क शेक भी बनकर तैयार हो गया है और इसमें भी हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं और बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।